Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है जैनी जी ने और ये लिखते हैं, जी नमस्ते, मेरा नाम जैनी घई है। अगर 11th हाउस में शनि और गुरु की युति हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा करियर चूज किया जाता है? Saturn and Jupiter in 11th house, please tell positive and negative things. तो जैनी जी का ये क्वेश्चन है कि इनके 11th house में गुरु और शनि की प्लेसमेंट है, तो ये जानना चाहते हैं कि गुरु और शनि अगर 11th house में है तो कौन सा करियर होना चाहिए जिससे अर्निंग के सोर्स बने। तो इस चीज से एक चीज और पता चलती है कि 11th house को हम करियर का हाउस भी बोल सकते हैं, हालांकि 10th हाउस जो है वो करियर का हाउस है और 11th हाउस उसका गेन है, करियर के थ्रू जो गेन होता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि 11th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं उनके कारक जो भी हैं, मतलब जैसे मान लो कि सन अगर 11th हाउस में है तो गवर्नमेंट के थ्रू गेन, पॉलिटिक्स के थ्रू गेन, क्रिएटिविटी के थ्रू गेन। मून अगर 11th हाउस में है तो स्कूलिंग के बिजनेस के थ्रू गेन, जैसे आप छोटा मोटा कोई स्कूल खोल लेते हैं उसके थ्रू आप गेन कर सकते हैं, वाटर का काम कर सकते हैं, मिल्क का काम कर सकते हैं और जितना भी जो डेयरी प्रोडक्ट होता है उसका काम कर सकते हैं। मार्स अगर 11th हाउस में है तो आप एक पुलिस पर्सन बन सकते हैं, आप एक मिलिट्री पर्सन बन सकते हैं, आप जिम के कोच बन सकते हैं। मर्करी अगर 11th हाउस में है तो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं आप, अकाउंटिंग का कोई भी काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से आपको बेनिफिट होगा। जुपिटर अगर 11th हाउस में है तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं। और अगर शनि है 11th हाउस में तो लोहे का काम कर सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं। राहु अगर 11th हाउस में है तो जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, जितने भी जो न्यू डिवाइसेज आजकल आ रहे हैं जैसे मोबाइल, इसका काम कर सकते हैं। केतु अगर 11th हाउस में है तो आप एक स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं और जो स्क्रैप्स होता है उसका काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं कि 11th हाउस में जितने प्लेनेट होते हैं वो किस किस चीज के कारक हैं, तो उस चीज को समझ के आप उसका काम स्टार्ट कर सकते हैं और उससे कई बार गेन भी होता है। लेकिन इसके लिए आपको 11th हाउस के लॉर्ड की पोजिशन को भी देखना है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर वीक होता है तो काम तो आप स्टार्ट करेंगे लेकिन आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। 11th हाउस में अगर शनि बैठता है तो गेन होगा लेकिन थोड़ा सा लेट जाके होगा। 11th हाउस में अगर राहु बैठता है तो गेन होगा लेकिन 42 की एज के बाद होगा। केतु अगर बैठता है तो इनिशियल लाइफ में गेन करवाएगा, बाद में आपको वहां से सेपरेट कर देगा। 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो कई बार गेन जो है वो थोड़ा कम होता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर डेब्यूटेशन में होता है तो गेन के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। और 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में, 6th 8th हाउस में है तो 6th 8th और 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो 11th हाउस में जितने ज्यादा प्लेनेट्स होते हैं उतना ज्यादा अलग अलग करियर आपका हो सकता है, यानी अलग अलग सोर्सेज आपके बन सकते हैं इनकम के। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जैनी जी का और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया 11th हाउस के बारे में और आपके करियर के बारे में कि 11th हाउस के थ्रू आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 11th हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।